देवी देवताओं पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अलीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने भेजा कानूनी नोटिस। राहुल गांधी से 15 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग। माफी न मांगने पर कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। रजिस्टर डाक से भेजा नोटिस। शामली में सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात। लाभार्थियों को स्वरोजगार योजना के तहत दिए चेक। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पहले लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उलझा दिया जाता था, अब हम लोगों को दे रहे सुरक्षा का वातावरण। मुख्यमंत्री ने कहा, मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना का पलायन हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। हमारी सरकार में पलायन के लिए मजबूर करने वाले अपराधी खुद पलायन को मजबूर। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। पलायन के शिकार लोगों से मिलकर सीएम बोले, सरकार आपके साथ। पिछली सरकारों के चलते हुआ था पलायन। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी जारी। सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। पिछली सरकारों पर सीएम योगी ने वार करते हुए कहा, पहले सरकारें अपने और अपने परिवार के लिए चलती थी। नौकरी भी चेहरा और पैसा देखकर लगती थी। नौकरी भी लगती थी चेहरा देखकर, पैसा देखकर। आज तो जब शामली और मुजफ्फरनगर के जवान भी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होते हैं और शिक्षकों की भर्ती में उनका भी स्थान होता है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा, कुछ लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि था। जो लोग मंदिर जाने में झिझकते थे, वो लोग आज लंबा टीका लगाने लगे हैं। जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे। मुख्यमंत्री ने माफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब किसी अपराधी की हिम्मत धमकी देने की तो दूर, सड़कों पर चलने की भी नहीं है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर। शामली के कैराना में सीएम योगी ने पलायन के बाद वापसी करने वाले परिवारों से की मुलाकात, बातचीत कर पूछा हालचाल। सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा रहे मौजूद। रामपुर पहुंचे सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा, भूमाफियाओं को गरीब की संपत्ति पर कब्जा नहीं करने देंगे। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोगों ने रामपुर की विरासत को मिटाने की कोशिश की। कहा, आज रामपुर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा, आज यूपी में बिना भेदभाव के काम हो रहा है। भू माफिया के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई। गरीबों को दिए जा रहे आवास, किसानों का कर्जा किया माफ। भू माफिया के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई। कानपुर में बीजेपी की कमल नौका यात्रा। अटल घाट से गोला घाट तक निकाली गई यात्रा में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने की शिरकत। गंगा तट पर मंत्रोच्चारण के साथ किया पूजन। जल शक्ति मंत्री ने यूपी विधानसभा चुनाव में 350 सीटें जीतने का किया दावा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रयागराज दौरा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। विश्वविद्यालय के 3 नवनिर्मित भवनों का भी किया लोकार्पण। प्रयागराज में यूपी भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बीच हुई मुलाकात। दोनों के बीच विधानसभा चुनाव में गठबंधन, सीट शेयरिंग और आरक्षण पर हुई चर्चा। डॉक्टर संजय निषाद के मुताबिक सकारात्मक रही बातचीत। धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी को उचित सम्मान देने का किया वादा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर सरकार से किए सवाल। कहा, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। बसपा प्रमुख मायावती का सपा पर हमला। ट्वीट कर सपा पर दलित और पिछड़े महापुरुषों के अपमान करने का लगाया आरोप। कहा, शुरू से ही दलितों पिछड़ों में जन्मे महान संतों गुरुओं और महापुरुषों का तिरस्कार कर रही है सपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में गायक दलेर मेहंदी ने की मुलाकात। सीएम ने शॉल भेंट कर दलेर मेहंदी को किया सम्मानित। दलेर मेहंदी ने हेमकुंड साहिब को रोपवे से जोड़ने की घोषणा के लिए पीएम मोदी और सीएम धामी का जताया आभार।
जसपुर के नादेही चीनी मिल पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया प्रदर्शन। गन्ना खरीद मूल्य घोषित न किए जाने सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर दिया धरना, मौन रखकर जताया विरोध। जसपुर विधायक आदेश चौहान भी रहे मौजूद। देहरादून पहुंचे सपा प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी, कहा सभी 70 विधानसभा सीटों पर सपा लड़ेगी चुनाव। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में नहीं कर पाई विकास। पूरी तरह से जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। उत्तराखंड में हम 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों खड़ा करेंगे। कांग्रेस का भाजपा सरकार पर बड़ा प्रहार, गणेश गोदियाल बोले हमारे कार्यक्रम से डरकर भाजपा ने हल्द्वानी में रखा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। कांग्रेस के इस कार्यक्रम से इतनी विचलित हुई, इतनी डर गई कि उन्होंने तत्काल हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल से 100 मीटर की दूरी पर सेम टाइम मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रखा। बांदा में होटल मालिक को दबंगों से खाने का पैसा मांगना पड़ा भारी। पैसे मांगने पर बेरहमी से दबंगों ने पीटा होटल संचालक से लाइव मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। होटल मालिक के हाथ में आई गंभीर चोट। दबंगों पर होटल से 5,000 रुपए की लूट का भी आरोप। पुलिस ने मामला किया दर्ज। रेलवे स्टेशन के नजदीक चौरसिया होटल का मामला। गाजियाबाद के होटल में शख्स ने की आत्महत्या, खुदकुशी से पहले शख्स ने बनाया वीडियो। काफी परेशान दिख रहा था शख्स, वीडियो बनाकर शख्स ने माता पिता से मांगी माफी। होटल के कमरे से शराब की बोतलें बरामद। सिद्धार्थनगर के मैनिया गांव में जमीन विवाद में दो पक्ष आमने सामने, दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ के देवली गांव में दीपावली के दिन लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करना युवक को पड़ा भारी। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आरोपी की तलाश जारी। बीते 24 घंटे में कोविड 19 के 11,451 नए मामले आए सामने। इस दौरान 266 लोग की जानलेवा वायरस से मौत। 13,204 मरीज संक्रमण से हुए ठीक। श्रावस्ती के भिनगा में संयुक्त जिला चिकित्सालय में महिला मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे परिजनों से पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर फलेंदा कट के पास चलती कार में आग लगने से मचा हड़कंप। कार सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। चंद मिनटों में कार आग का गोला बनी। रबुपुरा कोतवाली क्षेत्र की घटना। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी भीषण आग। घर में रखी नकदी सहित लाखों का सामान जलकर खाक। आग बुझाने के लिए ग्रामीणों ने की मशक्कत। दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स। चांदपुर थाना क्षेत्र के गज्जा का डेरा गांव का मामला। पीलीभीत में बुखार की चपेट में आकर 3 दिन में भाई बहन सहित एक घर के 3 बच्चों की मौत के मामले की जांच बेनतीजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। विसरा प्रिजर्व कर परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। प्रदूषण से फूला ताजनगरी का दम। रविवार को देश का 12वां सबसे प्रदूषित शहर रहा आगरा। आगरा का AQI लेवल 418 तक पहुंचा। रेड जोन में शुमार है आगरा शहर। सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी। सोने की कीमत में 0.21% यानी 103 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज। आज के सोने के दाम 48,000 प्रति 10 ग्राम। अलीगढ़ में सुबह सुबह आसमान में साफ दिखाई दिया धुंध का असर। धुंध की वजह से एलर्जी, आंखों में जलन और गाड़ी चलाने वालों को हो रही दिक्कत। यूपी के फतेहपुर में किसानों के पराली जलाने का सिलसिला जारी। 50 शिकायतें मिलने के बावजूद अब तक सिर्फ 20 किसानों को नोटिस भेजकर लगाया गया जुर्माना। विभाग ने 22,300 वेस्ट कंपोजर का किया था निःशुल्क वितरण। जागरूकता के लिए अलग अलग स्थानों पर लगाए गए थे 18 होल्डिंग। अमरोहा में शहर के बीचों बीच मोबाइल की दुकान से लाखों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए सामान ले जाते हुए शातिर चोर। टीपी नगर चौकी के सामने दिया चोरों ने घटना को अंजाम। श्रीनगर गढ़वाल में दुकान से जूतों की चोरी की वारदात का मामला आया सामने। सीसीटीवी में चोरी को अंजाम देने वाली 3 लड़कियां कैमरे में हुई कैद। जूते बैग में डालकर फरार हुई लड़कियों की अब तक नहीं हो पाई पहचान।
गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के अकबरपुर बहरामपुर इलाके से अगवा की गई 4 साल की बच्ची आतिका का अब तक नहीं लगा पाई पुलिस सुराग। 1 नवंबर को अगवा हुई थी बच्ची। पुलिस ने विजयनगर थाने में गुमशुदगी की दर्ज की थी रिपोर्ट। सीसीटीवी फुटेज में 2 बाइक सवार बच्ची को ले जाते आए नजर। परिजनों ने डीएम से लगाई गुहार। सहारनपुर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के नूर बस्ती में युवक की गला रेतकर हत्या से सनसनी। हारून नाम के युवक ने मोहम्मद केसर अली को पीछे से चाकू से गले पर वार कर उतारा मौत के घाट। सुनार का काम करता था मृतक मोहम्मद केसर। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हत्या की वारदात। सहारनपुर की थाना मंडी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। स्मैक तस्करों के पास से 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की स्मैक हुई बरामद। 1150 ग्राम स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपए। आरोपियों से 13 मोबाइल फोन, 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 3 अवैध तमंचे, 315 बोर और जिंदा कारतूस सहित 58,500 रुपए नकदी बरामद। बिजनौर पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ कसा शिकंजा। जंगल में चोरी छिपे बनाई जा रही थी जहरीली शराब। पुलिस ने 1250 लीटर लहन, 45 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ शराब माफिया को पकड़ा। थाना नगीना देहात के केंचो वाली इलाके का मामला। यूपी के हमीरपुर में रिश्ते हुए शर्मसार। भाई ने अपने भाई की गला दबाकर शव को कुएं में फेंका। 1 महीने तक पुलिस को करता रहा गुमराह। पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी के अपनी भाभी से थे अवैध संबंध। एसपी ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े 8.5 लाख की लूट से मचा हड़कंप। 4 बाइक सवार अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। रेडियन कैश मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ हिमांशु दुबे से हुई थी लूट। ई कॉम एक्सप्रेस के ऑफिस से कैश लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था हिमांशु। असलाधारियों ने किया घायल। कैश लूटकर फरार हुए आरोपी। मथुरा में बहन के साथ देवरानी के विवाद की सूचना पर पहुंचे भाई की गोली मारकर हत्या। जीजा का भाई अवैध हथियार से गोली मारकर मौके से फरार। गोली लगने से साले जयप्रकाश की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नैनूपट्टी ग्राम पंचायत के नगला मांढा चौथैया की घटना। सुल्तानपुर दौरे के 3रे दिन सांसद मेनका गांधी ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिढक्कूपुर गांव में मेहंदी उपवन की स्थापना की। महिलाओं के साथ किया पौधारोपण। जन चौपाल के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का किया निस्तारण। 25 नवंबर को होगा जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास। भूमि पूजन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हरिद्वार में 2021 में हुए कुंभ मेले में कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले में गठित एसआईटी ने की बड़ी कार्रवाई। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कंपनी के पार्टनर शरद पंत और मल्लिका पंत को किया गिरफ्तार। देर रात छापेमारी कर नोएडा आवास से किया अरेस्ट। बाराबंकी जिले में रेल इंजन से डीजल चोरी करने का बड़ा खुलासा। आरपीएफ इंस्पेक्टर आलोक कुमार ने टीम के सक्रिय स्टाफ के साथ किया खुलासा। मुखबिर की सूचना पर 8 चोरों को पकड़ा। पुलिस ने 30 गैलन में 22 गैलन डीजल भरे हुए किए बरामद। श्रावस्ती में धान के खेत से निकला विशालकाय अजगर। खेतों में धान काट रहे किसानों में मचा हड़कंप। डायल 112 और बाइक पीआरवी ने मौके पर पहुंचकर कुत्तों से बचाई अजगर की जान। किसानों ने ली राहत की सांस। सोनभद्र के घुवास गांव में दिखा तेंदुआ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग और पुलिस की टीम कर रही सर्च ऑपरेशन। वन क्षेत्र से सटा है गांव। दिल्ली से चलकर रामायण एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची अयोध्या। अयोध्या कैंट स्टेशन पर हुआ ट्रेन का स्वागत। भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के लिए 132 श्रद्धालु आए अयोध्या। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची बाबा केदार की डोली। आज से शीतकालीन पूजा अर्चनाएं ओंकारेश्वर मंदिर में होंगी शुरू। पौड़ी में 21वें राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां शुरू। स्वयं सहायता समूह के पहाड़ी उत्पादों के स्टॉल रामलीला मैदान में लगे। लोक आस्था के महापर्व की आज से नहाय खाय के साथ शुरुआत। नहाय खाय का छठ पर्व में खास महत्व। मंगलवार को खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास हो जाएगा शुरू। घरों में गूंजने लगे छठी मैया के गीत। लखनऊ में भी देखने को मिल रही है छठ की अनूठी छटा। 4 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार परिवार की शांति और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशभर के 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया। पीएम मोदी और सीएम योगी को बम छोड़ाने की धमकी। ट्विटर पर दीपक शर्मा नाम के अकाउंट से दी गई धमकी। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। यूपी 112 के अधिकारियों ने दी थी जानकारी। दिवाली के बाद सोमवार 8 नवंबर को दिन भर अच्छी तेजी के बाद बढ़त पर बंद हुआ शेयर बाजार। 477 अंकों की तेजी के साथ 60,545 के लेवल पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 151 पॉइंट्स की तेजी के साथ 18,068 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। इंडसइंड बैंक में 10% की गिरावट। दिवाली के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने चांदी के दामों में हुई बढ़ोतरी। 439 रुपए की तेजी के साथ 48,141 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं 1,080 रुपए महंगी होकर 64,631 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। अर्जुन कपूर ने बैकलेस ब्लाउज में मलाइका अरोड़ा को निहारते हुए शेयर की बेहद रोमांटिक तस्वीर। दिवाली बैश की इस तस्वीर को शेयर करते हुए अर्जुन कपूर ने लिखा, जब वो मेरी बकवास पर भी हंसती हैं, तो वो मुझे खुश कर देती हैं। अर्जुन मलाइका की यह तस्वीर दिवाली सेलिब्रेशंस के दौरान की। बंटी और बबली 2 का टाइटल ट्रैक। रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की बंटी बबली 2 का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया। नए अंदाज में पुराने ट्यून की वापसी। 8 नवंबर को रिलीज किए गए फिल्म के टाइटल ट्रैक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। रानी और सैफ की जोड़ी लंबे अरसे बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाली है।